हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एज़ेरिटिन और उसके सिंथेसिस मेथड की। अब सबसे पहले हम देखते हैं एज़ेरिटिन क्यों ज़रूरी है। हमारे एमएससी के अंदर जो हेटेरोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट पेपर है उसके अंदर ये टॉपिक है वो हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस के अंदर इंक्लूड है। हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस के अंदर अलग अलग तरीके के कंपाउंड के हमें साइक्लाइजेशन रिएक्शन और उसके साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखनी होती है, इनका सिंथेसिस देखना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं एज़ेरिडीन से। एज़ेरिडीन एक थ्री मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो हेटेरो एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा। इसकी स्ट्रक्चर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो थ्री मेंबर रिंग जिसके अंदर हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ में आर ग्रुप लगा होगा या फिर हाइड्रोजन लगा होगा, ये दोनों ही एज़ेरिडीन कहलाते हैं। अब ये जो एज़ेरिडीन है ये कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, वीकली बेसिक होता है और इसकी ऑर्डर है वो अमोनिया लाइक होती है। ये तो हो गई इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। एज़ेरिडीन के सिंथेसिस को हम दो तरीके की रिएक्शन से समझेंगे। फर्स्ट है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन और दूसरी है साइक्लिक एडिशन रिएक्शन। इस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर डिफरेंट मेथड्स आते हैं जिसमें है गैब्रियल मेथड, रैंकर मेथड, हैसनर मेथड, क्लोरोनाइट्रोजेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्कीन। वहीं साइक्लिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है नाइट्रिन इंसर्शन। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गैब्रियल मेथड से। गैब्रियल मेथड के अंदर हम लेंगे ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम प्राइमरी अमाइन के साथ में। जब हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ में करवाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की स्पीसीज है वो मिलती है। अब ये जो ये स्पीसीज है ये हमें आगे वैंकर मेथड में भी काम आने वाली है। जब हम इस स्पीसीज की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और हमें कुछ इस तरीके की बीटा क्लोरो अमाइन कंपाउंड देखने को मिलता है। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एज़ेरिडीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वैंकर मेथड की। वैंकर मेथड के अंदर ये वही स्पीसीज है जिसे हमने गैब्रियल मेथड के अंदर फॉर्मेशन किया था। आप चाहे तो इसे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या फिर इसका जो फॉर्मेशन है जैसे हमने गैब्रियल मेथड के अंदर देखा था ऑक्सीजन और प्राइमरी अमाइन के साथ में करवा के और यहाँ तक इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप वैंकर मेथड भी आगे लिख सकते हैं। मेथड के अंदर क्या होगा, ये जो स्पीसीज है इसे हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ में। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एक रिलीज हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बीटा अमीनो हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड है वो बनाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस से तो हमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है एज़ेरिडीन। बात करते हैं हैसनर मेथड की। हैसनर मेथड के अंदर हम यहाँ पे एल्कीन लेंगे, इस एल्कीन की रिएक्शन हम करवाएंगे आयोडो आइसोसाइनेट के साथ में। ये जो आयोडो आइसोसाइनेट है इसके साथ में जो बोन फॉर्मेशन और बोन ब्रेकेज की कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगी। इसके बाद में जो हमें स्पीसीज मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं CH3OH यानी मेथिल और एल्कोहल के साथ में तो हमें मिलता है बीटा आयोडो कार्बामेट। अब ये जो बीटा आयोडो कार्बामेट है जब हम इसे बेस से ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिलता है कुछ इस तरीके की स्पीसीज। अब हम इस कंपाउंड का सबसे पहले सपोनिफिकेशन करवाएंगे। सपोनिफिकेशन का मतलब है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसके अंदर ये जो एस्टर ग्रुप है ये चेंज हो जाता है COOH ग्रुप के अंदर और उसके बाद में हम करवाएंगे इसका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन करवाने से ये जो COO यानी CO2 का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है और हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमारा एज़ेरिडीन। हम बात करते हैं क्लोरोनाइट्रोजेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्कीन की। इसके अंदर हम एल्कीन लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NOCl जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर हम इसे टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम मैथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। अब हमारी जो स्पीसीज है वो है क्लोरोनाइट्रोसो कंपाउंड। ये जो क्लोरोनाइट्रोसो कंपाउंड है जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में तो ये जो NO ग्रुप है ये चेंज हो जाता है NH2 ग्रुप के अंदर। अब ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में और हमें एज़ेरिडीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये थी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो भी मेथड है वो इंक्लूड थे वो हमने यहाँ तक डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन थी वो थी साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक ही मेथड देखना है, वो है नाइट्रिन इंसर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाइट्रीन है वो बनती कैसे है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक एजाइड लेंगे। इस ऑर्गेनिक एजाइड का हम थर्मल या फिर फोटोलाइसिस करवाएंगे जिसकी वजह से यहाँ से N2 गैस है वो रिलीज होगी और हमें जो स्पीसीज मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रीन। जो नाइट्रोजन है इस पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे।
जब हम नाइट्रीन का इंसर्शन करवाते हैं ओलिफिनिक लिंकेज यानी एल्कीन के अंदर, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एजरिटिन। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके का पॉसिबल होता है। फर्स्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, जो एजाइड है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और पहले बनाएगा डायरेडिकल नाइट्रीन, फिर ये डायरेडिकल नाइट्रीन एल्कीन के साथ में रिएक्ट करेगा साइक्लोएडिशन रिएक्शन के थ्रू और हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा एजरिटिन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक एजाइड है, ये ऑर्गेनिक एजाइड नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और डायरेडिकल नाइट्रीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये डायरेडिकल नाइट्रीन इस एल्कीन के साथ में रिएक्ट करेगी बाय साइक्लोएडिशन रिएक्शन और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एजरिटीन। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो एजाइड है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है एल्कीन से बाय 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। इसके बाद में ये क्या करता है, 5 मेंबर हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एजरिडीन, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सेम अगर हम यही रिएक्शन अगर किसी बाईसाइक्लो कंपाउंड के साथ में करवाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, मतलब प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस हमने कंपाउंड यहाँ पर क्या ले लिया, बाईसाइक्लो कंपाउंड ले लिया। तो ये था हमारा एजरिडीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।